नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं गार्डनिंग हेल्प चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको गुलाब के पौधे के लिए एक बूस्टर फर्टिलाइज़र। और अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो आपकी जो गुलाब की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी अच्छी होगी। इसमें सभी तरह की न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे गुलाब की अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो ये गुलाब के पौधे के लिए ऑल इन वन फर्टिलाइज़र है। अगर आप कोई फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं, जो सिर्फ इस वीडियो में दिखाया जा रहा है वो यूज कर, तो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और आप जो सामने में ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, आप इनको पॉटिंग मिक्स के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, जो रिपॉटिंग के टाइम होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, या फिर इन सारे को मिक्स करके प्लांट बूस्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आपने एक बार इन सब को तैयार कर लिया और उसके बाद आप इसे सप्ताह में एक बार या दो सप्ताह में एक बार अपने सारे प्लांट्स में एक एक मुट्ठी डालते गए तो जो आपकी गुलाब की प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं हम अपने फर्टिलाइज़र की। सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र मिक्स को तैयार करने के लिए जो मैंने यूज़ किया है वो है वर्मी कंपोस्ट। आप इसके जगह पे नॉर्मल कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था, वो मैंने यूज़ किया है। ये हमारे पास करंज की खली है जो करीब एक मुट्ठी के बराबर है, और एक मुट्ठी के बराबर ही मैंने इसमें नीम केक लिया है, जो नीम की खली होती है वो लिया है मैंने। उसके बाद है हमारे पास बोन मील है, वो भी करीब एक मुट्ठी के बराबर ही है। और ये जो आप देख रहे हैं वो पोटैश है। ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जो हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें यूज करने वाले हैं। और उसके पास में जो आप देख रहे हैं वो रोज मिक्स स्पेशल जो रोज फर्टिलाइज़र होते हैं वो है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप जो सुपर फॉस्फेट होती है वो थोड़ी सी मात्रा में 2 से 5 ग्राम के आसपास आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप कुछ दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो डीएपी और जो मस्टर्ड किक होती है वो अलग से देना चाहिए, स्पेशली नर्सरी वाले यही करते हैं। तो ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं ये काफ़ी ही अच्छे हैं और सारे ऑर्गेनिक हैं। एक हम जो पोटास यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन उसकी बहुत ही कम मात्रा यूज़ कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप पोटास की जगह पे बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास वो भी है, मैं वो भी रेगुलर टाइम पर यूज़ करता हूँ। तो ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में पोटास भी यूज़ कर लेते हैं, 2 से 5 ग्राम के आसपास, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। और जो हमारा रोज मिक्स है, अगर हम अलग से भी इसको डालना चाहते हैं तो पर प्लांट में, अगर आपकी प्लांट की साइज़ अच्छी है तो 2 चम्मच, और अगर नए प्लांट्स हैं तो 1 चम्मच उसमें यूज़ करना है। तो हम इसमें ही मिक्स कर लेते हैं रोज मिक्स को भी, आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक रही रोज मिक्स की बात, तो ये आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो रोज मिक्स आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी जो बैलेंस तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे गुलाब के पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, उन्हें बैलेंस और कैलकुलेटेड अमाउंट में डाला होता है। तो हम रोज मिक्स को इसमें ही मिक्स कर लेते हैं। तो हमने 2 से 5 ग्राम के अप्रॉक्स में पोटास थी वो हमने ऐड कर लिया अपने फर्टिलाइजर मिक्स में। अब आ रही है इस रोज मिक्स की। मार्केट में कई तरह की रोज मिक्स अवेलेबल है, आप चाहे तो जहाँ से आपको इजीली मिल जाता है आप ले सकते हैं। तो चलिए हम इसमें जो रोज मिक्स है वो ऐड कर लेते हैं। और अब जो हमारे ये सारे इंग्रेडिएंट है उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने अपने जो फर्टिलाइज़र मिक्स है उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसे चाहे तो मिक्स करके स्टोर कर सकते हैं सप्ताह में एक बार, या फिर 2 सप्ताह में एक बार अपने जो गुलाब के पौधे हैं उसमें एक मुट्ठी आप अपने पौधे में चारों तरफ गुड़ाई करके डाल दें। ये आपके जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखता है, आपका पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ मेरे गुलाब के प्लांट्स हैं, कुछ इधर भी हैं, और ये रहे मेरे सारे गुलाब के प्लांट। कुछ दिनों पहले मैंने इसमें गुड़ाई किया था और जो फर्टिलाइज़र मिक्स है वो मैंने यूज़ किया था। आप देख सकते हैं इसमें घास है काफ़ी ज़्यादा जम गई है, इन्हें मैं रिमूव कर दूंगा। देख सकते हैं इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मेरे सारे गुलाब जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी हेल्दी तरीके से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमने जो फर्टिलाइज़र मिक्स तैयार किया है उसे यूज करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉट है उसकी गुड़ाई कर देना है, उसके बाद एक मुट्ठी हमारा फर्टिलाइज़र है वो इसमें यूज़ करना है, और उसके बाद इसमें पानी लगा देना है। तो अगर किसी तरह का घास इसमें उगा हुआ है तो उसे रिमूव कर देना है। तो ये मेरा बटन रोज का प्लांट है। तो अब बारी है हमने जो फर्टिलाइजर मिक्स तैयार किया उसे इसमें यूज करने का।
हमने जो फर्टिलाइजर तैयार किया था उसे हमने यूज कर लिया अपने पॉट में। अब टाइम है सिर्फ इसमें पानी देने का। तो आपने देखा कि कैसे हमें इस फर्टिलाइजर मिक्स का यूज करना है अपने प्लांट में। अगर आपने ज्यादा फर्टिलाइजर मिक्स तैयार कर लिया है तो इसे स्टोर कर आप किसी पॉलीबैग में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और हर 10 से 15 दिनों में अपने गुलाब के प्लांट्स हैं उनमें आप डालते रहें। ये जो आपके गुलाब की ग्रोथ है और उनकी फ्लावरिंग है वो काफी हद तक बढ़ा देगा, काफी अच्छी ग्रोथ होगी, काफी अच्छी फ्लावरिंग होगी। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।